नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्निकल सुबोध जी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डिजिटल राशन कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे आप अपने मोबाइल फ़ोन से डिजिटल राशन कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे ये कार्ड है, कैसे ये देखने में लगता है, इस वीडियो में आपको बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों जो पुराना कार्ड है आपका राशन कार्ड, जो पुराना वाला है, उसी कार्ड नंबर से आप डिजिटल वाला कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको लाइव दिखाएंगे किस तरीके से आप जो है अपना डिजिटल राशन कार्ड डाउनलोड करेंगे। दोस्तों ये सभी स्टेट के लिए वीडियो है, अगर आप जो है बिहार से देख रहे हैं या उत्तर प्रदेश से देख रहे हैं या किसी भी स्टेट से आप वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप जो है अपना राशन कार्ड नंबर डाल करके अपना डिजिटल राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कैसे डिजिटल राशन कार्ड डाउनलोड किया जाएगा। सो गाइज, सबसे पहले आपको गूगल ब्राउजर ओपन करना है। गूगल ब्राउजर में आपको सर्च करना है NFSA, लिख के आप सर्च कीजिएगा। आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन है राशन कार्ड डिटेल ऑन स्टेट, मतलब यहाँ से सभी स्टेट आपको मिलेगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बोला था सभी स्टेट, तो यहाँ पे आप अपने अपने स्टेट चेक करके देखेंगे, ठीक है। डिजिटल राशन कार्ड के लिए बहुत सारे स्टेट हैं यहाँ पे, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड और आसाम, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड सभी है। तो जो भी आपका स्टेट है सिंपली आपको अपने स्टेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अपना स्टेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा, आपका स्टेट का वेबसाइट खुल जाएगा। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने आपको आपको मिल जाएगा। जैसे कि आप देखिएगा तो यहाँ पे है ई राशन कार्ड, ठीक है। आपको ये वाली ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ये वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो गाइस यहाँ पे जो है ऑप्शन आ जाएगा, ध्यान से आप देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन है, ये वाली ऑप्शन है क्लिक टू डाउनलोड ई राशन कार्ड, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आप अपना राशन कार्ड नंबर टाइप करेंगे और कार्ड किस प्रकार का है आपको बताना है। जैसे कार्ड होता है IPHH SHH RK SHY RK SY2 है, जनरल है, जो भी आपका कार्ड है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सिंपली आपको कार्ड का प्रकार सेलेक्ट करना है, उसके बाद कार्ड नंबर इंटर करके डाउनलोड करना है। चलिए हम आपको एक राशन कार्ड नंबर इंटर करते हैं। जैसे आप राशन कार्ड नंबर टाइप करेंगे उसके बाद डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। ये कार्ड आपका जस्ट 1 सेकेंड में ही ये डाउनलोड हो जाएगा। और यहाँ पे आप अपना PDF को खोलिएगा, जैसे कि मोड वाले पे क्लिक कीजिएगा, PDF रीडर पे क्लिक कीजिएगा, ये PDF खुल जाएगा। यही है दोस्तों डिजिटली राशन कार्ड, जो कि अब सभी स्टेटों में ये मिल रहा है। हालांकि दोस्तों कुछ स्टेट ऐसा है जहां पे ये राशन कार्ड देखने को आपको नहीं मिलेगा। बिहार में भी आपको मिल जाएगा ये ऑप्शन, डिजाइनिंग चेंजिंग रहेगा। ये इसका जो डिजाइनिंग किया गया है ये आधार कार्ड जैसा है, लेकिन बिहार वाले में कुछ अलग देखने को मिलेगा और अरुणाचल में कुछ अलग मिलेगा, हरियाणा में कुछ अलग मिलेगा। तो सभी स्टेट में डिजिटल राशन कार्ड हो गया है, लेकिन डाउनलोड जब कीजिएगा तो डिजाइनिंग अलग अलग रहेगा। तो गाइज इस प्रकार से डाउनलोड